नमस्कार, एनएनवी टीवी में आपका स्वागत है। परमाणु लोकायुक्त की कार्रवाई, पंचायत सचिव को 18,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रधानमंत्री आवास विधवा पेंशन के लिए मांगी थी रिश्वत। बड़वाड़ी लोकायुक्त की कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास व विधवा पेंशन का प्रस्ताव भेजने के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांग रहे ग्राम पंचायत चिनगुन के सचिव मनोहर चौहान जनपद पंचायत राजपुर को फरियादी वीरेंद्र चौहान से 18,000 रुपए की रिश्वत लेते बड़वाड़ी रोड राजपुर पेट्रोल पंप के पास चाय दुकान से रंगे हाथों पकड़ने की कार्रवाई लोकायुक्त ने की है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आज बड़वाणी रोड राजपुर पेट्रोल पंप के पास चाय दुकान से राजपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिनगुन के सचिव मनोहर चौहान को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मनोहर द्वारा फरियादी वीरेंद्र चौहान से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग, प्रधानमंत्री आवास व उसके पिता की मौत के बाद मां की विधवा पेंशन का प्रस्ताव भेजने के नाम पर की गई। वीरेंद्र के पिता की मृत्यु हो चुकी है और आर्थिक सहायता के रूप में 20,000 रुपए उसकी मां को प्राप्त हुए थे। इन्हीं पैसों पर सचिव की नजर थी और वह रिश्वत के रूप में 20,000 रुपए मांग रहा था। लोकायुक्त बड़वाणी की टीम ने सचिव मनोहर चौहान को 18,000 रुपए की नगद राशि रिश्वत के रूप में लेते हुए धर दबोचा। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने हमें जानकारी देते हुए बतलाया। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में जो है इनके पिता की मृत्यु के उपरांत जो एक केस स्वीकृत हुआ था, इनको 20,000 रुपये उनकी माता गजराबाई को उसमें पैसे मिले थे। अब जो ये विकलांग है तो इसको जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो है नाम था इसका बीपीएल में, इसको आवास चाहिए था प्रधानमंत्री आवास में। तो ये सिनगुन के सचिव हैं मनोहर सिंह चौहान, इसे आवास आवंटन के लिए और इसकी माँ की विधवा पेंशन स्वीकृत कराने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग कही है। के पास 20,000 रुपये थे नहीं, तो अभी इसने 18,000 रुपये की रिश्वत देते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई जारी है और अभी इस पर कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7(13)(1)(d)(13)(2) के तहत जो है इन पर कार्रवाई जारी कर रहे हैं। बड़वाणी से प्रदीप सोनी की रिपोर्ट। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनवी टीवी। हमसे जुड़िए और हम बनेंगे आपकी आवाज़।